तुर्बत में पाक बहरिया के एयरबेस पर हमला नाकाम, चार दहशतगर्द हलाक, सिपाही शहीद। ISPR के मुताबिक 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब दहशतगर्दों ने PNS सदीक पर हमला करने की कोशिश की, ताहम सिक्योरिटी एहलकारों ने असासों की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए मौसर जवाब देते हुए नाकाम बना दिया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द में मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेज को फौरी तौर पर मुतहरिक किया गया। मुसलह अफवाज के मौसर जवाब के बाद मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में चारों दहशतगर्दों को हलाक किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान फ्रंटियर को बलोचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगा लिया। शहीद की उम्र 24 साल और मुजफ्फरगढ़ का रिहायशी था। PIA बोर्ड ने इदारे की तंजीम नो और निजकारी की मंजूरी दे दी। PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एलामिए के मुताबिक बोर्ड का 83वां इजलास 25 मार्च को हुआ, जिसमें PIA की तंजीम नो और निजकारी के लिए स्कीम ऑफ अरेंजमेंट की मंजूरी दी गई। एलामिए के मुताबिक PIA बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ तरीकाकार तय करेगा और इसके लिए PIA की निजकारी का मनसूबा SECP को पेश करने का फैसला किया गया। सराय के मुताबिक PIA बोर्ड ने दो कंपनियों के क्याम की मंजूरी देते हुए इदारे को PIAC और PIA होल्डिंग में तकसीम करने की भी मंजूरी दी है। आलमी बरादरी गजा पर सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बयान में कहा कि गजा में जंगबंदी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद खुशाइंद है। आलमी बरादरी गजा से मुतलिक सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद पर अमल दरामद यकीनी बनाए। वजीर आजम का कहना था कि गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जारी सिहूनी जुल्म और जबर मुस्तकिल तौर पर बंद होना चाहिए। इसराइल के वहशियाना हमलों में अब तक हज़ारों खवातीन और बच्चे शहीद हो चुके हैं। सेनेटर तलहा महमूद मौलाना फजलुर्रहमान की जमात छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल। सेनेटर तलहा महमूद ने इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी और नैयर बुखारी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपनी शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर सेनेटर तलहा महमूद ने कहा कि कौमी सतह पर आवाम के लिए निकलना है, इसलिए पीपल्स पार्टी से बेहतर इस वक्त कोई प्लेटफॉर्म नहीं। इन्होंने कहा है कि मुल्क इस वक्त बहरान से गुजर रहा है और इसे बहरान से निकालने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा।